हेलो गाइस, तो सभी का स्वागत है एवी कैट फैमिली में। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि अपने अभी जो 2D क्लासेस है सारी कंप्लीट हो चुकी है, उसी के बाद अभी 3D क्लासेस शुरू होने वाली है। 3D क्लास शुरू होने से पहले अपन ने बहुत सारे वीडियोस 3D इमेज जो पार्ट्स है बनाते हुए बहुत सारे वीडियोस अपन ने डाले हुए हैं, उन सभी की डिटेल्स। उसके अलावा 3D बेसिक्स कैसे क्रिएट करेंगे एक 3D मॉडल्स को, उसके अलावा और 3D जो पार्ट्स हैं उनको भी बनाएंगे। तो पिछली क्लासेस में अपने 2D पूरा कंप्लीट कर चुके थे, जो बेसिक से लेके प्रोफेशनल तक अपन ने बहुत से ड्राइंग्स को क्रिएट किया था। अगर किसी को भी आज अभी तक वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ पीछे जाके ज़रूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी। और 3D शुरू करने से पहले 2D कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि वही बेसिक है, वहीं से 3D बनाते हुए आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी अगर पिछली क्लासेस में आप सारी वीडियोस देख चुके होंगे तो। ठीक है, तो 3D में ज़्यादा ये नहीं है कि ज़्यादा कोई मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि मैं एक घंटे में 3D सिखा दूँ और आप लोग 3D करने लग जाएंगे पूरा कंप्लीटली प्रोफेशनल तरीके से। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं एक दिन में सीख जाऊँगा, दो दिन में सीख जाऊँगा। इस प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस मतलब एक दिन, दो दिन, तीन दिन, रोज़ आप डेली अगर प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप अच्छे से डिज़ाइन करने लग जाओगे। तो कोई भी सॉफ्टवेयर सीखने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, कोई भी सीखने के लिए। बहुत लोग वीडियोस में बोलते हैं कि एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे में क्लासेस कंप्लीट और पूरे 3D सीख जाओगे, नहीं तो वो सॉफ्टवेयर सीख जाओगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। अपने को टाइम चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, तभी कोई भी सॉफ्टवेयर सीख पाओगे। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। अगर पिछली क्लासेस में आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ पीछे जाकर ज़रूर देखिएगा, और प्लीज़ जो भी लोग वीडियोस को देख रहे हैं सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं 3D की तरफ। अपन ने अभी तक जो बनाए हैं 2D बनाया है, 2D में अपने ये सारे टूल्स यूज़ किए। उसके बाद अभी जो है ये देखिए, यहाँ पर एक पेज है, यहाँ पर सबसे ऊपर वाली लाइन है जहाँ पर आप सेव वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर देखिएगा ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एरो देखा रखा है नीचे की साइड, तो उस पर जाकर लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको 3D बेसिक्स एंड 3D मॉडलिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में आप लोग अभी ये वाला कर रहे थे, 2D कर रहे थे, अभी 3D आ गया, तो 3D बेसिक्स है, 3D मॉडलिंग है। 3D मॉडलिंग का ही पार्ट है 3D बेसिक्स, इसमें थोड़ी कम चीज़ें हैं, 3D मॉडलिंग में थोड़ी और ज़्यादा चीज़ें, डिटेल्स चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत लोग 3D बेसिक्स में ऐसा करते हैं कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग नहीं होती, कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उनसे अगर 3D हो जाएगा तो 3D बेसिक्स में जाना पसंद करते हैं। पर जो जो दूसरे लोग हैं जिनको डिटेल्स में 3D ड्राइंग्स वगैरह चाहिए, वो 3D मॉडलिंग में जाते हैं। ठीक है, और एक बात ये है कि यहाँ पर बहुत लोगों के डिफ़ॉल्टली यहाँ पर ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन का ये वाला नहीं आता है, उसके लिए क्या करें, यहाँ पर जाइएगा, देखिए ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन यहाँ पर लिखा हुआ, एक चाय की केटली है रेंडर, उसके पास में ये देखिए एक और एरो है जो नीचे की तरफ दिखा रखा है, यहाँ पर वर्कस्पेस, ये देखिए वर्कस्पेस यहाँ पर मेरा टिक है, यहाँ पर बहुत लोगों की डिफ़ॉल्ट ये टिक ऑफ है, तो प्लीज़ इसे टिक कर दीजिएगा, इसे क्या आएगी यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद करना ये है कि यहाँ पर 3D मॉडलिंग में जाना है आपको। ठीक है, ये देखिए 3D मॉडलिंग के पेज पे अपन आ चुके हैं। आगे अगर आप अगर 2D से 3D में डायरेक्ट आ रहे हैं तो थोड़ा टाइम दीजिएगा सॉफ्टवेयर को, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह थोड़ा हैंग होते हैं, तो वो डरने की बात नहीं है, वो 3D के इसमें आ रहे हैं तो बहुत सारे टूल्स वगैरह नए खुल के आ रहे हैं, तो इसलिए टाइम ले रहा है। ठीक है, तो देखिए 2D में अपन क्या देखा था, ड्रॉ से शुरू हो रहा था, लाइन था, सर्कल, रेक्टेंगल, यहाँ पर भी बहुत सारे कमांड्स है। ठीक है, यहाँ पर 3D की जो कमांड्स, ये देखिए मॉडलिंग है, मैश है, सॉलिड एडिटिंग है, तो ये सब जो है 3D, एक 2D स्केच को 3D बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो आने वाले वीडियोस में, आने वाले क्लासेस में बने रहिएगा, क्योंकि आने वाले क्लासेस में अपन डिटेल्स में एक्सट्रूड, प्रेस, पुल, सॉलिड बॉक्स, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है,
अगर जो भी वॉच कर रहे हैं प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वाले क्लासेस में अपन बेसिक से शुरू करेंगे। थैंक यू।